नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचर के तहत 740वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात करूँ दोस्तों कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या डर लगता है या फिर अटकते हैं या और भी बहुत सारी समस्याएँ होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते रुक जाना या कभी कभी लगता है कि कभी इसका उच्चारण होगा कि क्या होगा, एक्चुअली में पता नहीं होता लोगों को कि बहुत सारे लोगों की भविष्य का क्या उच्चारण है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ होने वाला है। सिर्फ ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए और सुनते रहिए। देखिए, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के द्वारा आने वाले वीडियो के लिए पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए और वैसे लोगों से जो वाकई में सीखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, ओमनीसेंट। तो देखिए, सबसे बेसिक बात जो है अल्फ़ाबेट के बारे में होनी चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट के बारे में सारी जानकारियां हैं कि इसे कैसे बुलाते हैं, कैसे बुलाने का मतलब कि उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनंसिएशन क्या है, तो आप कहीं भी पढ़ते समय दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि आप भले ही उसका एग्जैक्ट उच्चारण नहीं जानते, लेकिन आप लगभग 99% जो है कि आप उच्चारण सही उच्चारण के करीब ही रहेंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ज़रूरी जानना है। अब देखिए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ABCD जो जेड तक होती है इसे ही अल्फ़ाबेट कहा गया, जिसमें कि 26 लेटर है। लेकिन लोग आज भी इसे अल्फ़ाबेट न कह के ABCD कहते हैं। आप हम सब कोई आप इस बात को ध्यान दीजिए कि इसे क्या बोलते हैं। मैं कहूँगा कि क्या बोलते थे तो आप कहेंगे ABCD। आप अल्फ़ाबेट नहीं बोलते होंगे या कोई नहीं बोलता है, जो बिगिनर है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग बोलते भली है। तो खैर, जिनको नहीं आता वीडियो उन्हीं के लिए। और देखिए इसमें दो पार्ट है, एक AEIO और U, ये पांच जो है दोस्तों ब्लैक में लिखा है। ये वोवेल कहे जाते हैं। वोवेल एक ऐसा लेटर है जो कि देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक कॉन्सोनेंट C फॉर कॉन्सोनेंट और V फॉर वोवेल, एक चल में बन जाता है वर्ड। यही प्रोसेस बढ़ते जाता है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, या कभी कभी वोवेल आ जाता है उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है, फिर वोवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, तब जाके बनता है एक वर्ड। इस तरह से चलते रहता है। तो वोवेल पाँच है, ठीक है, वोवेल है तो पाँच, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका जो है बहुत भिन्न तरह से है। डबल ओ के साथ अगर बात कर लिया जाए तो ये कुल 5-6 होकर 22 तरह से, यहाँ तो 22 तरह से बोले जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह बोलने का इसका तरीका है। और इन तरीकों को लोग नहीं जान पाते हैं। एक्चुअली स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो इस तरह से नहीं बता पाते हैं। जब लेवल हाई होता है तब लोग ये इस तरह की बात जानते हैं, तब तक देर रहती है, लोग लेट से समझते हैं और जो समझते हैं वो सही में उच्चारण कर पा रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण करते हैं। उसके बाद एक जो कीस बसता है लेटर वो है कॉन्सोनेंट का, इसमें भी बहुत सारे उच्चार है, जैसे कि आप यहाँ कीच है तो किस तरह से बोल ही रहे हैं। इसके अलावा देखिए डी को जो है 3 तरह से बोलते हैं, तो जाहिर सी बात दो और बढ़ गया, 21 2 23 हो गया है ना, 23। तो हर एक लेटर में एक के अलावा दूसरा दो और, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यू में, आर में, एस में, टी में, वी में, एक्स में, जेड में, ठीक है। तो ये सब जो है एक के अलावा कई उच्चारण के साथ है, खासकर टी को 4 तरह से पढ़ जाता है। कौन कौन, तो दो तो आप जानते ही होंगे, दो मैं बताता हूँ, च और श। अब टी को च कब स कब बोला जाता है ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊँ। दूसरी बात, के एलिमेंट जो है ये साइलेंट, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग जो कि साइलेंट लेटर के साथ आते हैं, जैसे आपने देखा होगा SIGN, ठीक है, उच्चारण करते हैं साइन, साइन करते हैं तो जी का उच्चारण कहाँ गया, जी से तो ग होता है, जी से ग होता है, ठीक है, जी से ज होता है। न यहाँ पर ग मैंने उच्चारण किया, न मैंने यहाँ ज उच्चारण किया, एन का उच्चारण किया ना सीधा साइन। आप जब सिग्नेचर बोलेंगे तो सिर्फ ग आता है, सिग्नेचर वहाँ पर दोनों आ जाता है, लेकिन साइन सिग्नेचर में अंतर है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्णमाला के भी दो हिस्से हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर का संख्या है दोस्तों 14, व्यंजन का संख्या 36। दोनों का अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तभी आप कोई भी किसी भी हिंदी का जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है किसी का नाम कहीं का पता तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, या अगर नहीं आता है अगर सीख जाते हैं तो कोई भी तरह का टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपके मोबाइल में जो नाम है वो एक्यूरेट करेक्ट लिखते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी में लिखना पसंद करते हैं या गलत स्पेलिंग के साथ नाम किसी का जो है फिट कर लेते हैं अपने मोबाइल में, जो कि गलती है क्योंकि उनको पता नहीं एक्चुअल यूज क्या होता है। तो स्वर का हिंदी अंग्रेजी दोनों जानेंगे और देखेंगे व्यंजन का हिंदी अंग्रेजी। तो सबसे पहले वर्णमाला के पहले पार्ट को जो है स्वर दोस्तों, और स्वर की संख्या जो है 14 है, इसके
उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी जानेंगे। जैसे अ आ ई ई उ री री। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो गया, ई कार का छोटी हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ कार का ये देखिए बड़ी उकार का, री का बड़ी री का। देखिए हरस हरस भी दीर्घ, हरस ओ दीर्घ, हरस भी दीर्घ, इस तरह से ही बोलते हैं तो समझे। अब देखिए अंग्रेजी है अ के लिए डबल ए के लिए डा, आ के डबल ए ज़्यादातर सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है, आ रहने पे भी। छोटी यानी हरसवी का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए है, अ है, ओ है, अ है, अन है, अ है। ए का एक ऊपर हो गया, अ का दो ऊपर, ओ का एक ऊपर एक नीचे, अ का दो ऊपर एक नीचे, ये सब सीधे रेखा के ऊपर होता है। अन का ये है और अ का। मात्रा चिन्ह अगर आप समझते हैं तो सब कुछ समझेंगे, सब कुछ लिखेंगे। से ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, अ का ए यू, अन का एन, अ का एच। मान लीजिए लिखते हैं खेत, खेत शब्द से सभी लोग परिचित होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकार है, एकार यह है ना, तो ख का होता है के एच, दो अक्षर है खेत में, दो अक्षर है एक खे अतः दो अक्षर हो गया। ये एकार जो मात्रा है इसको ख में जोड़ते हैं, तो ये खे और ये त हो गया खेत। ए लिखने की आवश्यकता लास्ट में नहीं होता खेत। अब ऐसे तो फील्ड कहते हैं है ना, प्लॉट भी कहते हैं कई जगह, मतलब एग्रीकल्चर प्लॉट या ऐसे ही फॉर्म भी लोग कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने हिंदी का अंग्रेजी किया है। मान लीजिए लिखा हुआ है कृषि का, ठीक है, या कृषि लिखा हुआ, तो कैसे लिखते हैं? री का देखिए यहाँ आर आई होता है, तो जब याद रहेगा मात्रा चिन्ह तभी तो आप उसका अंग्रेजी लिख पाएंगे ना, क्योंकि सभी जगह तो सिर्फ आ अ से लेकर अ तक नहीं रहेगा, तो मात्रा चिन्ह को ध्यान रखना होगा। री का ये छोटी कार का जो है आई होता है, तो के से क हो गया, री का आर आई है ना, एस एस से स और आई का ये हो गया, तो कृषि इस तरह से लिखते हैं, कृषि लिखते हैं। तो चले अब आगे बढ़ते हैं स्वर के बाद, अच्छे तरह से इसको याद रखें। आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन यानी कि कॉन्सनेंट का समतुल्य जो है, व्यंजन में कोई भी स्वर को मिला लीजिए, स्वर का संख्या दोस्तों 14, कितना 14, अ को छोड़कर सभी के मात्रा चिन्ह आपको किसी भी शब्द में दिख जाएंगे, तो एक क्या बन जाता है हमारा अक्षर। अब अक्षर क्या बनता है ये समझ चुके हैं। व्यंजन में कोई एक व्यंजन इसमें से ले लेंगे, कोई एक 14 में से कोई एक स्वर को जोड़ देंगे तो वह हमारा अक्षर बन जाता है। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर ले लेते हैं ट, ये ट नहीं एक्चुअली ये व्यंजन है, आधा ट, इसमें मैंने अ मिला दिया, व्यंजन सॉरी स्वर मिला दिया मैंने, तो ट प्लस अ एक्चुअली आधा ट है, ये हमारा हो गया एक अक्षर हो गया, ये अब अक्षर हो गया ट। अंग्रेजी कैसे लेंगे, टी प्लस ए, टी प्लस ए इक्वल हो गया टी ए, तो ये हो गया ट, ये हो गया ट। तो इस तरह से तो ट को अब ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जब व्यंजन में कोई स्वर मिलता है तो ट में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यही अगर अ के अलावा कोई और रहता, मान ली आ रहता, तो यहाँ पर आपको दिख जाता। अंग्रेजी भले ही डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन तो है इसमें कि ट पढ़ें या टा पढ़ें, इसका बेस्ट बात है कन्फ्यूजन है, ये रहेगा भी कन्फ्यूजन, क्योंकि अंग्रेजों ने ही ऐसा कर रखा है भाई कि ट कहाँ पर अ पढ़ना है कहाँ पर आ पढ़ना है, इसको थोड़ा समझने में दिक्कत तो होती ही है। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन उसके पहले सोचिए कि संस्कृत वाले शब्दों में एनजी और इया का प्रयोग होगा। उसके बाद अक्षत्र आ गया जो संयुक्त अक्षर है, इसका भी प्रयोग करते हैं ध्यानपूर्वक, तो याद रखें इसे अच्छा से। देखिए टठना तथा के लिखे अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया, बाकी सब एज इट इज याद कर लीजिए। तो चलिए जैसे कि मान लीजिए कि लिख रहे हैं प्रश्न, एक शब्द ले लेते हैं प्रश्न, प्र आदर्श यहाँ देखिए न, इसी तरह लिखते हैं प्रश्न। प्रश्न कैसे प्रश्न का कैसे लिखते हैं, प में जुड़ गया र, उसके बाद जुड़ गया अ, उसके बाद जुड़ा दोस्तों ये है हमारा व्यंजन और ये है हमारा व्यंजन और इसमें जुड़ गया स्वर अ, ये प्रश्न है। हालांकि प्रश्न का अंग्रेजी तो क्वेश्चन होगा ना, लेकिन अगर इसका ही इंग्लिश कर दिया जाए प्रश्न का तो कैसे कहेंगे, तो देखिए पी हो जाता है, इसके बाद आर लिख देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे प्र, चूँकि आधा एस ही है सिर्फ, इसमें तो कोई वोवेल है नहीं, तो एस एच कर देंगे और उसके बाद लास्ट में ए लिख देंगे, ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ और क्लियर कर सकते हैं तो आप ए लिख सकते हैं, तो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न भी समझ सकते हैं, प्रश्न भी जो डबल जो है आधा आधा हो गया, तो इसलिए ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए नाम लिखा हुआ है रविकांत है ना, रविकांत,
रविकांत लिख दिया गया है, तो इसमें कैसे समझे लिखेंगे? तो रवि के लिए आर दे र, इसमें अ जुड़ गया है तो एक ए लिख देंगे। वी छोटी कार के लिए आई, के से क ए, अब देखिए आ भी है और एन भी है तो दोनों, अब जैसे एन के लिए तो एन होता है ना, अन का जो होता है मात्रा चिन्ह इसका तो एन होता है और आ का डबल ए होता है तो सिंगल ए ले लेते हैं यहाँ पर। अभी दोनों को कॉमन करके यहाँ पर ले लेते हैं ए के है ना, और यहाँ पर एन आ जाता है तो यही लिखते हैं यहाँ पर कान, ये लिखते हैं ये लिखा रवि कांत, ऐसे लिखा गया, लास्ट में ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट के उच्चारण क्या है। दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा देने से जो बचता है वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। आप जानते भी हैं कि 21 लेटर होते हैं इसमें। अब देखिए इसे कैसे कैसे उच्चारण करते हैं ये जानिए, तो सारा उच्चारण मैं बताऊँगा कॉन्सोनेंट के बारे में। जैसे बी को ब बोलते हैं सिंगल उच्चारण है, सी को क श बोलते हैं डबल उच्चारण होंगे, डी को ड ड बोलते हैं डबल उच्चारण, एक और ज इस उच्चारण होता है ज, एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं यहाँ पर जी आर ए डी यू ए टी ई, यहाँ पर तीन उच्चारण है ड का। मान लीजिए मुझे नहीं पढ़ने आता कि ड का उच्चारण क्या करना है, तो तीनों लगा कर पढ़ते हैं कैसे सीखा था पढ़ने के लिए। देखिए फिर ड का, ये सभी में तो ऐसे ही होगा लेकिन फिर ड का देख रहे हैं, ड से ग्रेजुएट, द से आप पढ़ेंगे ग्रेजुएट, ज से ग्रेजुएट, आपको क्लियर पता चला है कि यहाँ पर डी का उच्चारण ज के रूप में हो रहा है तो ग्रेजुएट हो रहा है ना, तो ये चीज़ समझना होगा। अब ये चीज़ लोग समझते हैं कि डी से ज होता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि डी से ज होता है, एफ से फ, जी से ग और जी से ज भी होता है, एस से होता है ह, सिंगल उच्चारण यहाँ पर है, उसके बाद जे से ज होता है, के से क होता है, सी से भी क, के से भी क, देखिए यहाँ पर सी के से भी क होता है और क्यू यू ई से भी क होता है, ये भी है, फिर सी सी ई से स भी होता है तो इसको भी याद रखेंगे, एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से नाणा होता है, पी से होता है प, क्यू से क, अब देखिए क्यू से क्यू होता है, क भी होता है, आर से रडा होता है, इसका भी उच्चारण करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अगर किसी वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में आर रहता है तो उच्चारण थोड़ा सा क्लियर होता है, बीच में होता है तो उच्चारण और दम हल्का, और लास्ट में मतलब सबसे दम मतलब घसीट कर बोलना पता भी नहीं चले कि आर आपने उच्चारण किया है, इस तरह से उच्चारण करते हैं। अब देखिए इसको तो स जगह बोलते हैं, इसे इसको ज भी बोलते हैं, जैसे एस को एस ओ ई एस में पहला एस का जो है यहाँ ये सूज लिखा हुआ है मैंने, तो पहला एस जो है तालाबी शब्द है, दूसरा एस जो है ज का रूप में उच्चारण है सूज, तो ज आ गया ना सूज। टी को टाता तो बोलते हैं चौसा भी बोलते हैं, ये चौसा कैसे बोलते हैं देखिए, तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, क्या बोलते हैं चर बोलते हैं, और टी यू एल को बोलते हैं चूवल, टी यू एल को बोलते हैं चूवल। इसके बाद दोस्तों टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, देखिए स का उच्चारण हुआ पर, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, यहाँ पर श का उच्चारण यहाँ हुआ, तो ये चर है, चूवल है, सन है, सी एल है। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं समझने के लिए, पी ए टी आई ई एन टी पेशेंट है ना, पेशेंट इसको बोलते हैं। अब देखिए पेशेंट में, ये पेशेंट जो है पेशेंट में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि टी को टा बोल रहे हैं ना, एन से ना भी आ रहा है, पी ए से पे भी आ रहा है, लेकिन स आपको दिख रहा है क्या, स के लिए तो एस लिखते हैं या सी लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है, टी आई आपको दिख रहा होगा, टी आई से स होता है और ई के लिए यहाँ भी दिख गया ए, तो इस तरह से कह सकते हैं कि टी आई से स होता है ना। हालांकि ये चार प्रीफिक्स वर्ड मैंने दिया है, ऐसे 40-50 पार्ट्स होते वर्ड होते हैं जिसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। तो देखिए ये है यहाँ पर जो ये वर्ड है चर, इससे फर्नीचर है, नेचर है, एक्चुअल फैक्चुअल, इसी तरह के वर्ड मीनिंग जो कि अंत में ही आते हैं, सफिक्स पार्ट बोलते हैं इसे, जैसे कंडीशन है, इसेंशियल वगैरह। अब चलिए भी को बोलते हैं, वह भी के लिए, वह के लिए डब्ल्यू भी है, वह के लिए वी भी है, और भ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे कि ओ एक्स, अगर वर्ड मीनिंग कभी कभी आपको ई एक्स से भी मिल जाए, जैसे कि ई एक्स वर्ड मीनिंग छोटा एग्जांपल में दे रहा हूँ एक्सक्यूज का, अब ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं इसको ई एक्स, इसका भी उच्चारण एक्स ही होता है, वाई को या जेड को जझा बोलते हैं। तो चले अब जो है कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल्स पे आते हैं, वोवेल का उच्चारण हमेशा जो है
अपने दिमाग में होना चाहिए, इसके लिए याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे ए लिखा हुआ, तो यहाँ पर तीन चार वर्ड मीनिंग मैं ले लेता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए कि वाकई में क्या उच्चारण होना है, ठीक है। आखिर नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होने वाली है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर जो मैंने लिया है, इससे आपको समझ में और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे उच्चारण करना है खासकर। तो चार वर्ड मीनिंग है, अगर इसे ए पढ़ते हैं और हर जगह ए को आप मान लीजिए ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसे आप नहीं आपको पता है किसका उच्चारण है, ये तो मैंने सिंपल है ना, लेकिन अगर बहुत कभी आपने देखा ही नहीं है वैसा वर्ड मीनिंग आ जाए जहाँ ए के बारे में या लंबा रहे 10 लीटर वाला 15 लीटर वाला वर्ड मीनिंग रहे, उसमें सोचना होगा कि ए का उच्चारण क्या करना है, तो आप क्या करेंगे सीधा सीधे ए का उच्चारण करने लगेंगे। तो सभी जगह ए का उच्चारण करेंगे तो कैसे गड़बड़ होता है, देखिए अटकते हैं कैसे। यहाँ भी ये पढ़ेंगे तो मेडेल 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 तो नहीं पढ़ा जाता, मेडल बोला जाता है, मेड मेड बोला जाता है, करेक्ट है। मैं देखिए एस है यहाँ पर, मेस्टर मेस्टर भी नहीं बोला जाता, मास्टर बोला जाता है, और मेड यहाँ भी मेड नहीं मैड होगा, तो है ना। मेडल में देखिए आ गया, मेड है यहाँ, देखिए यहाँ मेड है वो ए आ गया, मास्टर है जो कि आ गया यहाँ पर, और मैड है जो कि ए आ गया। तो अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ कर रहेंगे दिक्कत हो तो आप पकड़ना छोड़ दीजिए, सभी चीज़ पे फोकस करिए। तो इसके लिए आपको करना होगा कि सारे भवस का जितना 22 तरह से मैंने बताया ना उच्चारण है, उसको और व्यंजन के उच्चारण को अच्छी तरह से याद रखिए कि कौन सा वन डिफरेंट है। अब देखिए ई में ई को सिर्फ ई ही कहेंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए अ आ और ए पे भी ध्यान देना है, पढ़ते समय आई को सिर्फ आई ही कहेंगे तो अ आ ई ई को क्या करेंगे, तो इसको भी ध्यान देना। ओ को सिर्फ उच्चारण ओ ही समझेंगे तो अ आ ऊ से जब आ जाएगा उच्चारण तो गड़बड़ हो गए। अब यू को सिर्फ यू ही नहीं बल्कि अ आ ऊ भी पढ़े, और डबल ओ को बड़ी ऊ ही नहीं बल्कि अ आ ओ और ऊ भी पढ़े। एक और वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का आपको समझाने के लिए, देखिए समझ ही आपको आगे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेने से सब कुछ होता है, याद कर लेने से होता है। आज तक तो बहुत सारे लोगों ने सारे वर्ड मीनिंग याद कर लिया है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को देखते हो कि स्पेलिंग याद करते हैं, उनको इस तरह से नहीं बताया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि भाई कैसे उच्चारण करते हैं, खुद भी खुद ही लिख रहे हैं। जैसे हिंदी वाले जो हिंदी जानते हैं उनको आप बता दीजिए कोई शब्द को, आप जो लिखते हैं वो करेक्ट लिखेंगे, मतलब सुन के लिख लेते हैं ना, कोई भी वर्ड को पढ़ लेते हो, तो ऐसा इंग्लिश के साथ भी तो हो सकता है, तो करना आना चाहिए, इसके लिए उस तरह का तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए देखिए आर के साथ जो ई है वो छोटी के रूप में इसका उच्चारण हुआ, एम के साथ जो ई है उसका ए के रूप में उच्चारण हुआ, बी के साथ जो ई है उसका आ के रूप में उच्चारण हुआ। तो ये है दोस्तों तीन तरह से उच्चारण, ये है री, ये है मे, ये है रिमेंबर, तीन तरह से उच्चारण हुआ है। आर के साथ जो ई है छोटी, एम के साथ जो ई है ए के रूप में, और बी के साथ जो ई है अ के रूप में, रिमेंबर इस तरह से उच्चारण हुआ है। अगर एक वर्ड मीनिंग में एक ई तीन तरह से आ गया, छोटी के रूप में पहला आया, दूसरा ए के रूप में, तीसरा जो है अ के रूप में, अगर दूसरा वर्ड मीनिंग लिख दिया जाए जो कि जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, और उच्चारण डायरेक्ट ना होकर डिफरेंट होने लगे तो क्या, जैसा थंबनेल में लिखा वैसा वर्ड मीनिंग तो पढ़ना और ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ कौन सा उच्चारण होना समझ में भी नहीं आ रहा है। अगर आपको दे दिया जाए ऐसा वर्ड मीनिंग तो आप बहुत ही गलतियाँ करेंगे, अगर अक्सर लोग करते भी हैं। तो चलें आप आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों पहले सब दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ें, जैसे कि पढ़ने से या सुनने से ही बहुत काम आता है, अगर सुन के रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस तरह का वर्ड किसी वर्ड का कैसे उच्चारण होता है। तो सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों 120 प्लस वर्ड मीनिंग देखने को मिल रहे हैं जो कि 4 से 5-6 तक लेटर्स में देख रहे हैं। जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जिफी, ठीक है, जिफी, जॉक्स, जम्पी, जोइस्ट, जेक्स, जिवल, जॉकी, जॉस्ट, चंकी, है ना, जंकी, अगर जेड के जगह से जे के जगह से एम कर देते तो क्या होता है, वैसे तो वो होता है तो मंकी भी पढ़ सकते थे, लेकिन एम ओ एन के इस तरह से होता है, मंकी में एम से स्टार्ट होता है। अभी देखिए ये है जूल, अब लोग इसे जॉल पढ़ देंगे तो एक्चुअली उच्चारण ये जूल ही पढ़ा जाता है। जेलो, जुंटो, जिगी, जुलेप, जिंगो, जंको, जेमी, जुगल, जॉली, जैगी, जिनी, जुरैट, जुजुस, जुग्ड, जुक्स, जम्प्स,
जूप्स, जंक्स, जूडोस, जूकोस, जूडस, जूबस, जूबेस। नेक्स्ट है जूरल, जे हैड, जेवान, जेबोट, जोवार, जेउल, जोरुम, जैकाल, जैलप, जुगम, जुकुस। ये 44 था। नेक्स्ट देखिए 44, जम्पॉन, ठीक है, जपॉन, जुरेल, जूट्स, जस्ट्स, जूटी, जेलोप, जेल्स, जैक्स, जैगरा, जैगर, जेट्स। देखिए जैकी, जैक्स, जॉक्स, जॉब्स, जैटोस, जार्ल्स, जेब्ड। एक के बाद ये आया तो फिक्स एक हो जाए, एक रुकम होता है। यहाँ भी देखिए एक के बाद ये आया, ये वह फिक्स हो जाएगा। जेपर, ईयर को ऐसे भी ईयर बोलते हैं, ईडी को ईयर बोलते हैं। फिर देखिए एक के बाद ही जेप्स, जेंटी। फिर देखिए एक के बाद ये है जाने का, फिक्स एक हो जाता है। तो जेम्स, जेम्बे, जेम्स, जैमी, जावाज, जेहूस, जेल्स, जेरी, जर्क्स, जेरिड, जीन्स, जीप्स। नेक्स्ट देखिए जोसेफ, ये नाम है, जूनियर, जर्सी, जैकेट, जॉनी, जंगल, जॉकी, जंपर, ईयर को और बोलते हैं जंपर, जर्गॉन, जैस्पर, ईयर को और बोलते हैं पी लगा पर हो गया जैस्पर, और जगुआर। नेक्स्ट देखिए तो ये सो जॉयफुल तोड़ कर पढ़ सकते हैं, जैग्ड, जंबल, जॉयस, ओ यू एस को वहाँ से बोलते हैं जॉयस हो गया, जिक्सॉ, जगल, जिंगल, जंकी, जोवियल, जेस्टर, ईयर को और बोलते टी लगा टर हो जेस्टर, ज्वाइनर, ईयर को और बोलते हैं हो गया ज्वाइनर। नेक्स्ट है जॉन्टी, जीटर, जेजर, जेई, जेग, जूरिस्ट, जैग्ड, जूज्ड, जोशल, जैबर, ईयर को और बोलते बी लगबर जैबर, जैकाल, जंकर, जंकेट, जेलर, ईयर को और बोलते हैं ए लगा तो जेल के साथ आर लगा जेलर हो गया, जैंगल, जेट सैम, जोबर, जैसे रॉबर होता है तो जोबर हो गया, जी जी कामा, जीगल, जो जोबा, और देखिए जिट, जिटनी, फिर जर्किन, जर्किन के बाद देखिए जैलोपी, और है जीगर, ईयर को और बोलते जीगर, जूसर, ईयर को और सी लगा सर, जूसर, जोटर, फिर यार देखिए जोटर, जेजून, जेरह, जर्नो, जय काना, सॉरी जय जे कैना, जेटॉन, जुजू, जूडर, ईयर को और जूडर, यहाँ ई जो है आकर रूप में हुआ है, जॉन्स, जवीरू। तो इस तरह से तो आप यहाँ देख रहे हैं, देख चुके आप, और इसी तरह से उच्चारण कम से कम सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। और देखिए हमारे वीडियो को अगर डे वन से देखना चाहते हैं तो उम्मीद से इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, वीडियो की संख्या आपको मिल जाएगी 934, ये संख्या बढ़ रही है अगर आप लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों, बहुत ही हल्के सरल तरीके से कोई भी सीख सकता है। लेकिन करना क्या है दोस्तों कि A4 साइज की कॉपी लेना है, उसमें आपको लिखना है, वीडियो देखेंगे A4 साइज कॉपी में स्क्रीन शॉट के थ्रू जब स्लाइड लेंगे स्क्रीन शॉट से, उसको लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखेंगे, जिससे क्या आपको बोलने में आपको सहूलियत हो जाएगी। और उसके लिए उसके बाद वर्ड मीनिंग तो है ही, बहुत सारे अवेलेबल जो कि रेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं ये देखिए, तो इस स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द वर्ड, जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स वर्ड होता है, जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग अपने आप में अकेले नहीं होता, उसमें कई हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को अगर पहचान ले लोग ना तो
फेमस में तो आप पहचान लेंगे, लेकिन ऐसा जो कि कभी आपने देखा भी नहीं हो तो कैसे पढ़ेंगे? हर एक तरह के वर्ड है, लाखों वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पर समझना होगा उस चीज़ को, पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपको समझना होगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड एक बार समझ लेते हैं तो बस आपका काम बन गया, आप कोई भी वर्ड को बहुत ही आसानी से पढ़ पाते हैं। चलिए मैं उसको बताने के बाद कर देते, देखिए आर ई जो री है ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है, और ई एन टी जो यहाँ इसमें देख रहे हैं ये हमारा सफिक्स हो गया है। तो देखिए ये शुरू में जो लगता है वो प्रीफिक्स, लंथ में सफिक्स है ना, तो ये इस तरह का पकड़ना होगा आपको। जैसे पी आर ओ जो है प्रो है, ये हमारा प्रीफिक्स, ई डी जो है हमारा सफिक्स हो गया, आई बी एल ई जो है इसमें जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सफिक्स वर्ड हो गया, सी ई को सफिक्स कह सकते हैं। इस तरह से आपको समझना होगा, ये टी आई वी ई है ये फिक्स है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, सफिक्स कहते हैं। एबल जो है ये हमारा सफिक्स पार्ट है, इसी तरह से आएंगे। एल वाई देखिए यहाँ भी ईबिल है, ईबल, तो यहाँ भी ईबल मिल गया, फिजिबल में भी मिला, फिजिबल में फिजिबल और एक्सेसिबल में भी, यहाँ दो अलग अलग वर्ड है लेकिन देख रहे हैं ईबल ईबल है ना, तो इसको पकड़ना है आपको, पकड़ लीजिए। रोज वर्ड मीनिंग में नए नए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड की चर्चा मैं तो करता ही हूँ। तो चले अब देखिए, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, मेंट एंड के पहले में लगा तो मेंट हो गया। एवरीथिंग, एवरीथिंग आई एन जी को इंग बोलते हैं, टी एच लगा थिंग हो गया। अवेलेबल, ए वी एल ई को एबल बोलते हैं, एल लगा तो लेबल, अवेलेबल, एवेल, ए वी ए वेल, अवेलेबल, तो एव के साथ एबल के साथ एल लगा तो लेबल हो गया, तो अवेलेबल हो गया, अवेलेबल इन आवर, आवर एनवायरमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा मेंट, विच कैन बी यूज, ई डी को एंड बोलते हैं, टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज अ टेक्नोलॉजिकली, एल वाई को ली बोलते हैं। देखिए ए सी को एक बोलेंगे, प्रीफिक्स वर्ड एक्सेस, एक्सेस के बाद इवल में एस एस जुड़ गया, तो एक्सेसिबली, इकोनॉमिकली, उसके बाद एक फीजी, एस को यहाँ जा बोला गया, तो फीजिबल, एंड सी एल को कल बोलते हैं, कल्चर, चर में एल वाई जुड़ गया, कल्चरली, देखिए एक्सेप्टेबल, ए बी एल ई को बोलते हैं एबल, टी लगा तो देखिए एक हो गया, सेफ हो गया, एबल हो गया, यहाँ पर एबल में टी लगा तो टेबल हो गया। कैन बी टर्न, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा, टर्न्ड एज रिसोर्स, रिसोर्स द प्रोसेस, है ना, प्रो हो गया, सेस हो गया, सी लगा सेस, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टी एन को बोलते हैं सन, ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, इन देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, इन्वॉल्व्स एंड फिर से इन आ गया, इंटर एक हो गया, टी हो गया, रिलेशन, देखिए सन यहाँ पर आ गया जो कि मैंने सुनी बताया था आपको, रिलेशनशिप हो गया, बिटवीन नेचर, मैंने बोला था ना चर से बहुत सारे वर्ड होते हैं, एन से ने हो गया, चर आ गया, नेचर, टेक्नोलॉजी, लॉजी भी एक फिक्स पार्ट है, एंड क्रिएट, ई ए को ई बोलते हैं, तो क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट, एक के बाद ये एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, टी वी आर को बोलते हैं चर, एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी दे आर नॉट रिसोर्स आर अ फंक्शन, देखिए सन यहाँ भी है, ऑफ ह्यूमैन, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मैन हो गया, टैन पैन रैन कई होता है, एक्टिविटीज, आई एस को ई जो बोलते हैं, टी लगा टीज हो गया, एक्टिविटीज ह्यूमैन बींग्स, देखिए देम सेल्वेस आर ई सेन, ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा सेन, ई सेन सी एल, टी एल को सी एल बोलते हैं। अब देखिए कम हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस एंड यूज देम, तो ये है दोस्तों सफिक्स वर्ड जो को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, और अगर जान लेते तो कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ना इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो वोवल्स से आपको याद नहीं हो रहे, तो इसे याद करने का तरीका है कि सभी वोवल्स में अ आ आएगा, ई आई में ई को बढ़ा लीजिए, तो पाँच में से चार तो दिमाग में आ ही गया ना, कि ई में आई में अ आ ई ई अ ई होता है, और ओ यू डबल ओ में ऊ को बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा अ आ ऊ
ना, बाकी यू को तो यू बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, और ए तो बोलते ही है ना। तो चलिए अब प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए कुछ आप ऐसे वर्ड मीनिंग ले लीजिए जिसको आप पहले से उच्चारण करना जानते हो, इसका स्पेलिंग आपको पता हो। इस तरह के कुल 100 से 150 वर्ड मीनिंग लेंगे और कॉपी पे लिख लेंगे जी दोस्तों, और 10 दिनों में इसको जो है आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। कैसे वो देखिए, जैसे आप वोवल्स लिख लेंगे, वोवल्स को 4 लिख लेंगे, आप चेक करेंगे कि भाई जो वर्ड मीनिंग आप उच्चारण करते हैं, एकोटिक उच्चारण करते हैं, क्या जिसमें वोवल का क्या क्या उच्चारण है, इसको खाली देखना है। आपको पता है ये इसलिए कि जब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका समझ एक दिमाग में कैसा समझ बनेगा जिससे कि आप नए नए वर्ड्स को इसके बाद आसानी से एक ही बार पढ़ पाएंगे, तो समझ आपको समझने के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी में 2 वोवल्स हैं, एक तो ओ है, दूसरा ए है, ए का उच्चारण यहाँ करेंगे, ऐसे ओ का भी यहाँ अ होता है और यहाँ ए का उच्चारण भी अ हो रहा है, तो कंपनी में एक उच्चारण अ, सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है, केयर में एक उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, मैप में एक उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों, तो अ हो रहा है, दूसरा ई का उच्चारण जो है वो एक रूप में होता है। उसके प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, 10 में जो ई है उसका उच्चारण एक रूप में, आई देखिए सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी के रूप में, उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई के रूप में लाइन हो रहा है, एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में शन, आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में, उसके ब्यूटी बट यू वाला देखते हैं, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में, ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, ई यू के रूप में, ब्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में, इसे देखना है आपको, लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ी ओ के रूप में। तो इस तरह से आप देख लेंगे, कम से कम 10 दिनों तक चलेगा आपका ये काम, उसके बाद 11वें दिन से आप कुछ भी वर्ड को पढ़ कर देखिए, वैसे लिखें और उसके बाद लिख कर देखें पढ़ कर कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, नहीं तो फिर से प्रैक्टिस करेंगे आप। साथ ही दोस्तों बताइए ये सेशन कैसा लगा, आप अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के दिखाने वाले वीडियो के लिए दोस्तों, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ और यहाँ मिल जाएंगे, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ये टच करके आप प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। इस वीडियो में बने रहने के आपको धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।